I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And it is my email ID. The lecture will be in bilingual mode and will be useful for various teaching examinations. And the topic which I am going to discuss today is social change. That is another important topic under educational sociology or sociology. Social change means सामाजिक परिवर्तन. तो देखते हैं क्या है सामाजिक परिवर्तन. सबसे पहले इसका कंसेप्ट जाने हम, इसका संप्रत्यय क्या है, इसकी अवधारणा क्या है. सामाजिक परिवर्तन, देखिए परिवर्तन जो है वो प्रकृति का मतलब शाश्वत नियम है. परिवर्तन इज द ओनली चेंज इज द ओनली ट्रूथ. यही एक शाश्वत नियम है, यानी कि परिवर्तन होता ही रहना है. कोई भी चीज हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं रह सकती है, उसमें चेंज इज इनएविटेबल, होना ही होना है. तो समाज में जो चेंज हो रहा है उसको हमने सामाजिक परिवर्तन कहा. तो सोशल चेंज क्या है? सोशल चेंज इज द अल्टरेशन ऑफ मैकेनिजम्स विद इन द सोशल स्ट्रक्चर. मतलब जो सामाजिक संरचना है, उसकी जो प्रणाली है, उसमें बदलाव सोशल चेंज है. फिर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजेस इन, तो चेंज किसमें होगा, किसमें चेंज होगा? कल्चरल सिंबल्स, सांस्कृतिक हमारे चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे. रूल्स ऑफ बिहेवियर, हमारे बात करने के तरीके, हमारे व्यवहार के नियम बदल जाएंगे. सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक व्यवस्था बदल जाएगी. और वैल्यू सिस्टम्स या हमारे मूल्य बदल जाएंगे. यानी कि सोशल चेंज क्या है? सोशल स्ट्रक्चर में चेंज है, जो कि चेंज हो सकता है कल्चरल सिंबल में चेंज हो, हमारे बिहेवियर में चेंज हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बदल जाए, हमारे वैल्यू सिस्टम बदल जाए. ये सब कुल मिलाकर क्या कहलाएगा? सामाजिक परिवर्तन. फिर क्या है? इट इज द प्रोसेस थ्रू विच सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर रिकंस्ट्रक्टेड अंडरगोइंग ए कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. देखिए हर जगह कल्चर आ रहा है, यानी कि कल्चर और समाज सब एक मतलब एकदम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से मिलकर बने हैं. कल्चरल में सोसाइटी मतलब कल्चर तो बहुत ही ब्रॉड टर्म है. तो सोसाइटी जो उठने बैठने का हमारा तरीका है, जो हमारे नॉर्म्स है, वो सब कुछ भी कल्चर में भी आ जाता है ना. तो कल्चर और सोशल जो चीजें हैं वो एकदम इनबिल्ड है, एकदम एक दूसरे में समाहित हैं आप कह सकते हैं. तो बिना कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. इट इज द प्रोसेस थ्रू विच सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर रिकंस्ट्रक्टेड. मतलब जो सामाजिक संरचनाएं हैं और जो हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं वो पुनर्निर्माण होता है उनका. क्यों? क्योंकि बदल जाती है, परिवर्तन हो गया तो चीजें पुरानी हट गई, नई आ गई, नया वैल्यू सिस्टम आ गया, नया ऑर्गेनाइजेशन बन गया. तो अंडर गोइंग ए कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सांस्कृतिक रूप से भी पूरा रूपांतरण हो जा रहा है सामाजिक परिवर्तन में. फिर इट इज द प्रोसेस थ्रू विच सोशल स्ट्रक्चर्स, ये दो बार आ गया लाइन. Then it is the alteration of the social order of a society may include changes in social institutions, social behaviors or social relations. कह रहा है क्या कि alteration है, यानी कि बदलाव है, परिवर्तन है. किसमें? Social order of a society, जो समाज का सामाजिक क्रम है उसमें बदलाव है. और किसमें बदलाव है? सामाजिक संस्था में बदलाव है, यानी कि परिवार बदल जा रहा है आपका, जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं. सोशल बिहेवियर्स, हम किस तरीके से सामाजिक व्यवहार करते हैं, बड़ों के सामने कैसे उठते बैठते हैं पहले के कंपैरिजन में, अब देखिए पूरा बदल चुका है और आगे और पता नहीं कितना बदल जाएगा. सोशल रिलेशंस, कितनी पहले सैंक्टिटी थी, कितनी पवित्रता थी, कितनी मर्यादा थी, वो सब कुछ अब खत्म हो गया. सोशल रिलेशंस दूसरी तरीके से हो गए. हम अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे हैं कि पहले अच्छा था और अब बुरा हो गया, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बदल गया है. तो इट इज द ऑल्टरेशन ऑफ द सोशल ऑर्डर ऑफ ए सोसाइटी, यानी कि समाज का जो सामाजिक क्रम है उसमें बदलाव है. इट कैन बी डिफाइंड एज द वे इन विच ह्यूमन इंटरैक्शंस, रिलेशनशिप्स, बिहेवियर पैटर्न्स एंड कल्चरल नॉर्म्स चेंज ओवर टाइम. यानी कि हम इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि मनुष्य का जो अंतः संबंध है, जो इंटरैक्शन चल रहा है, जो उसके रिलेशनशिप्स हैं, जो उसके संबंध हैं, जो उसके व्यवहार के नियम हैं, व्यवहार पैटर्न है और कल्चरल नॉर्म्स है, सब कुछ समय के साथ बदल जाता है. तो इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं. समाज में व्यक्ति समाज का हिस्सा है, तो समाज के उठने बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, मूल्यों का तरीका, इंटरैक्शन, सब कुछ चेंज हो रहा है सोशल स्ट्रक्चर में. सब कुछ मिला के इन टोटैलिटी इट इज कॉल्ड एज सोशल चेंज. तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें सोशियोलॉजिस्ट की भाषा में, तो क्या मिलता है हमको, डेफिनेशन क्या मिलती है? ME zones, ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं इसको? सोशल चेंज अकर्स व्हेन सोशल प्रोसेसेस, सोशल पैटर्न्स, सोशल इंटरैक्शंस और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एनकाउंटर मॉडिफिकेशंस इन देयर एवरीडे फंक्शनिंग. यानी कि सामाजिक प्रक्रियाएं बदल रही हैं, सामाजिक नियम जो पैटर्न है वो बदल रहा है, सामाजिक अंतःक्रिया बदल रही है, सामाजिक व्यवस्था बदल रही है, सामाजिक संगठन बदल रहा है. एनकाउंटर मॉडिफिकेशंस, उसमें
मॉडिफिकेशन हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है इन देयर एवरीडे फंक्शनिंग, यानी कि पहले रोजमर्रा का जो उसका कार्य करने का तरीका था, चाहे वो सोशल प्रक्रिया हो, सामाजिक प्रक्रिया हो, या सामाजिक अंतःक्रिया हो, या सामाजिक संगठन हो, उन सब में रूपांतरण ही सामाजिक परिवर्तन है, ये एमई जोन्स कह रहे हैं। एचटी मजूमदार क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सोशल चेंज में भी डिफाइंड एज अ न्यू फैशन और मोड, वो कह रहे हैं एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई नया फैशन है, कोई नया तरीका है, आइदर मॉडिफाइंग और रिप्लेसिंग दी ओल्ड, या तो हमने पुराने वाले को मॉडिफाई कर दिया है, संशोधित कर दिया या बदल दिया है, इन द लाइफ ऑफ ए पीपल और इन द ऑपरेशन ऑफ ए सोसाइटी, लोगों के जीवन में ऐसा कुछ चेंज कर दिया है कि पुराना तरीका बदल दिया है या मॉडिफाई कर दिया है, या सोसाइटी का जो ऑपरेशन का तरीका है, मतलब जो उसका क्रिया चलती है सोसाइटी की, उसमें चेंज है, जिसमें हमने पुरानी चीजें हटा दी और नया कोई फैशन या मोड ले आए, वो सोशल चेंज है इन अकॉर्डिंग्स टू एचटी मजूमदार। फिर मैकाइवर एंड पेज क्या कहते हैं, इन्होंने अ ग्रामर ऑफ सोशियोलॉजी में इसका जिक्र किया है, इस तरीके की डेफिनेशन का। फिर मैकाइवर एंड पेज कहते हैं कि सोशल चेंज रिफर्स टू ए प्रोसेस, सामाजिक परिवर्तन क्या है, प्रक्रिया है, रेस्पॉन्सिव टू मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस, यानी कि बहुत तरीके के परिवर्तनों के रेस्पॉन्स में जो प्रक्रिया की जा रही है वो सोशल चेंज है। तो ये क्या हो सकता है, चेंजेस इन मैन मेड कंडीशंस ऑफ लाइफ, मतलब मनुष्य की जो बनाई हुई चीजें हैं उनमें चेंज है, टू चेंजेस इन द एटीट्यूड एंड बिलीव्स ऑफ मेन, हमारे पर एटीट्यूड बदल जा रहा है, हमारा विश्वास बदल जा रहा है, एंड टू चेंजेस दैट गो बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल, और जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड हमारे कंट्रोल है, यानी कि मनुष्य के नियंत्रण से बाहर जो चीजें हैं, टू द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ थिंग्स, वो सब कुछ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन करता है। मतलब कि जो मनुष्य निर्मित चीजें हैं वो भी बदल रही हैं, और जो मनुष्य के निर्माण से परे हैं, जो मनुष्य के नियंत्रण से परे हैं, उसमें भी परिवर्तन होना सामाजिक परिवर्तन है, इन अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज। और ये डिफाइन किसमें कर रहे हैं, सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस किताब में इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। फिर इसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन सी ऐसी खास बात है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये सोशल चेंज है, इनएविटेबल, होना ही होना है, आज जैसा समाज है वैसा अगले आज से 10 साल 20 साल 50 साल बाद नहीं रहेगा, 10 साल पहले जैसा था वैसा अब नहीं है, है ना, तो ये इनएविटेबल है, यूबीक्विटस है, मतलब हमेशा हर जगह है, सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल है, कोई दुनिया की सोसाइटी ऐसी नहीं है जो 100 साल पहले जैसी थी वैसी ही आज है, नो सोसाइटी रिमेन्स स्टैटिक एंड अनचेंजिंग, कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है जो स्थिर है, जड़ है और जिसमें अपरिवर्तनीय है, माइक्रो एंड मैक्रो इवेंट्स टेक प्लेस टू शिफ्ट द वे दे फंक्शन, चाहे सूक्ष्म स्तर पर या बृहद स्तर पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनसे कि चेंज होता रहता है, देयरफॉर इट मस्ट बी लुक्ड एट एज अ यूनिवर्सल फेनोमेना, तो हम कह सकते हैं कि सोशल चेंज जो है वो सार्वत्रिक घटना है, हर जगह हर समाज में होती है। मल्टी लेवल्ड है ना सोसाइटी, मतलब इतना बड़ा समाज, उसमें इतने 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 माइक्रो लेवल पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैक्रो लेवल पे हो रहा है या सिर्फ माइक्रो लेवल पे हो रहा है, बल्कि हर लेवल पर चेंज हो रहा है सोशल चेंज में। तो एज डिस्कस्ड अबव चेंज अकर्स बोथ ऑन ए मैक्रो एंड माइक्रो लेवल, हाउएवर सोशल चेंज टेक्स प्लेस ऑन ऑल लेवल्स एंड इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इवोल्यूशनरी चेंज, है ना, हर लेवल पे हो रहा है। कंटेजियस है, मतलब छुआछूत की तरह से फैलता है, अगर एक जगह कुछ चेंज हो गया तो हर जगह वो चेंज होगा, वो इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा चेंज। सोशल चेंजेस कंटेजियस इन द सेंस दैट चेंज इन सोसाइटी कैन इन्फ्लिक्ट चेंज इन अनदर, यानी कि आप कह सकते हैं किसी और समाज में परिवर्तन हुआ तो इस समाज में परिवर्तन हो जाएगा, या समाज के किसी और तबके में हुआ तो दूसरे तबके में भी आ जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक जगह होके वो जड़ होके रुक जाता है, फैलता है बहुत तेजी से। रेट, देयर इज नो फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच सोशल चेंज अकर्स, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर 10 साल में बदल जाएगा, बट इट्स रेट डिपेंड्स ऑन दिस इश्यू एट हैंड कैन बी रैपिड और ग्रेजुअल, ये बहुत तेज हो सकता है या बहुत धीरे धीरे, जैसे कोविड आया, पेंडेमिक आया, तो हम लोग कितनी तेजी से ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में चले गए, अगर यही मतलब कोविड नहीं आया होता और सिर्फ हमको कहा जाता कि मोटिवेशन के थ्रू आप चले जाइए ऑनलाइन ऑनलाइन मोड में, या बहुत सारे फायदे हैं इसलिए आप ऑनलाइन मोड को अपना लीजिए, तो ये कितना ग्रेजुअल होता, बहुत धीरे धीरे चलता, और कितने लोग इसको अपनाते हैं इस पर भी हमको शक है, लेकिन चूंकि ये इस तरह से आया कि हर किसी को करना ही करना था, नहीं तो हम पीछे छूट जाते, हम एकदम समाज से हट जाते, कट जाते, कैसे जुड़ते अपने अपनों से, टीचर स्टूडेंट से, स्टूडेंट टीचर से, रिलेटिव्स आपस में, है ना, तो इसलिए ये बहुत फास्ट हुआ, बहुत रैपिड हुआ चेंज। तो चेंज रैपिड भी हो सकता है, ग्रेजुअल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इश्यू कितना खास है, तो ये इसकी गति, ये भी है इसका खास कैरेक्टरिस्टिक। Measurable, हमको लगता है कि हम इसको नाप नहीं सकते, but we can measure it. This is perhaps the most important characteristics of social change. Social change can be measured, यानी कि आप नाप भी सकते हैं सामाजिक परिवर्तन को, and detected based on scale, brevity and repetition. इन गुणों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को नापा भी जा सकता है, नापने योग्य है। Causes, देखिए जब भी परिवर्तन होगा उसका कोई कारण होगा, बिना कारण के कोई चीज नहीं होती है, तो change can be brought about due to
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, तकनीकी विकास हो गया है इसकी वजह से परिवर्तन हो सकता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल कंफ्लिक्ट और एनवायरनमेंट, सामाजिक संस्थानों में परिवर्तन हो रहा है इसलिए सामाजिक चेंज है, सामाजिक द्वंद है, टकराव है, इतना इश्यू है इस वजह से सोशल चेंज है, या एनवायरनमेंट की कोई घटना है, ठीक है। तो दीज फैक्टर्स कैन बी व्यूड एज द एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक परिवर्तन के कारक है, सामाजिक परिवर्तन के एजेंट है जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो इतनी विशेषताएं हैं जो सामाजिक परिवर्तन में होनी ही होनी है, इनएविटेबल जरूर होगा, यूबिक्विटस सब जगह होगा, मल्टी लेवल हर स्तर में होगा, कंटेजुअस होगा तो रुकेगा नहीं, रेट यानी उसकी गति निर्धारित नहीं है, पर कोई गति होती है या तो तेज हो सकता है या धीरे धीरे हो सकता है, मेजरेबल मतलब आप नाप सकते हैं, और कॉज मतलब कारण होगा, जब भी परिवर्तन होगा तो उसका कारण होगा कोई। देन थियरीज, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने हमको बहुत सारी थियरीज निकाल के दी हैं कि सोशल चेंज के पीछे क्या बात हो सकती है। तो तीन प्रकार की मुख्य थियरीज की हम लोग सरसरी तौर पर सरफेस लेवल पर बात कर लेते हैं, इवोल्यूशनरी, फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। इवोल्यूशनरी थियरी जो सोशल चेंज की है वो 19वीं शताब्दी में इसको बहुत प्रोमिनेंस मिला, बहुत ये प्रचलन में थी। सोशियोलॉजिस्ट लैच्ड ऑन टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। देखिए जो डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी है उसका इतना इम्पैक्ट है कि शायद ही कोई ऐसा डिसिप्लिन हो जिसमें हम डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का इम्पैक्ट ना देखते हो। बायोलॉजी तो बायोलॉजी, आपका एजुकेशन, आपका सोशियोलॉजी, आपका साइकोलॉजी और पता नहीं कितने जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उनमें डार्विन की थ्योरी का हमको इम्पैक्ट मिलता है। इतनी मतलब आप कह सकते हैं कि एकदम चेंज कर दिया उसने सब कुछ, सोचने का नजरिया ही चेंज कर दिया डार्विन की थ्योरी ने। तो जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी को सोशियोलॉजी पे, सॉरी सोसाइटी पे अप्लाई किया, इसीलिए इसका भी नाम इवोल्यूशनरी रखा है। तो ऑगस्ट कॉम्टे, जिनको कि हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, बिलीव इन द इवोल्यूशनरी मॉडल, वो इस इवोल्यूशनरी मॉडल में यकीन करते थे और वो कहते थे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सोसाइटी ऑलवेज इवॉल्व्स टू अ हायर लेवल। वो कहते हैं कि जो वो कहते हैं ना, डार्विन क्या कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट माने उत्तर योग्यतम की उत्तर जीविता, योग्यतम की उत्तर जीविता माने जो सबसे ज्यादा योग्य होगा वही जिएगा। उसी तरह से सोसाइटी भी कोशिश करती है कि इवॉल्व करती रहे उच्चतम स्तर पर जाने के लिए, इसलिए चेंज जो है इनेविटेबल और होता ही होता है, और इस तरीके की चेंज को इवोल्यूशनरी थ्योरी के अंतर्गत आता है, इसलिए चेंज होता है। मत क्यों, क्योंकि सोसाइटी चाहती है कि वो हायर लेवल की तरफ इवॉल्व हो। फिर फंक्शनलिस्ट क्या कह रहे हैं, फंक्शनलिस्ट कह रहे हैं द फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल चेंज टीचेस दैट सोसाइटी इज लाइक अ ह्यूमन बॉडी। ये मान के चलते हैं कि समाज भी किस तरह, जैसे मनुष्य का शरीर है वैसे ही समाज भी एक शरीर है, और हर शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, समाज में भी हैं। इंडिविजुअल पार्ट्स कैन नॉट सर्वाइव ऑन देयर ओन, जो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल, ऐसा तो नहीं हाथ अलग रहेगा, पैर अलग रहेगा, मस्तिष्क अलग रहेगा तो सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं, उस सबको एक कंपोजिट होकर एक सिस्टम के रूप में आना पड़ेगा तभी वो चल सकता है। यही हाल सोसाइटी का भी है, हम ये नहीं कह सकते आप अलग हम अलग सब अलग हैं तो सोसाइटी बन जाएगी, नहीं, हमको सबको एक समेकित होल बनाना पड़ेगा। तो इमील दुर्खीम जो है वो इसके प्रोपेगेटर हैं, और वो कहते हैं कि ऑल पार्ट्स ऑफ ए सोसाइटी मस्ट बी हार्मोनियस, यानी कि समाज का जितना अंग है सब में एक हार्मोनी होनी चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए। द फंक्शनलिस्ट थ्योरी बिलीव्स दैट सोसाइटी ऑलवेज वर्क्स टुवर्ड्स स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पे जो सोशल चेंज का कारक क्या है कि सोसाइटी हमेशा अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, स्थायित्व लाने की कोशिश करती है, इसलिए सोशल चेंज होता है इन अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट। इवोल्यूशनरी क्या कह रहे हैं कि सोसाइटी हमेशा हायर लेवल पे जाने की कोशिश करती है, इसलिए सोशल चेंज होता है। और फिर एक अनदर अप्रोच है कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट सोसाइटी इज बाय नेचर अनइक्वल एंड कॉम्पिटिटिव। इसको मानने वाले कहते हैं कि सोसाइटी में तो भाई असमानता है, हर जगह कंपटीशन है, तो हो ही नहीं सकता कि सब लोग सर्वधर्म संभाव और राम राज्य इस तरीके का हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ये कहीं से भी अचीवेबल नहीं है, ना हमने कभी देखा है ऐसा, राम राज्य को भी हमने सिर्फ सुना है। तो वो कहते हैं कि बाय नेचर, उसका ये नेचर है, उसकी ये प्रकृति है कि असमानता होगी, कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा, किसी के पास पावर होगी कोई पावरलेस होगा, और कॉम्पिटिटिव है। तो कार्ल मार्क्स ने इस थ्योरी के बारे में बात किया, वो कहते हैं कि द रिच एंड पावरफुल कंट्रोल द रेस्ट ऑफ सोसाइटी बाय एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबल ग्रुप्स। तो जो पावरफुल है, जो सत्ता में है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास धन है, वो क्या करता है, उनको एक्सप्लॉइट करता है जिनके पास ये सब नहीं है। तो सोशल चेंज अकर्स एज अ रिजल्ट। तो इसके आप कह सकते हैं कि मतलब इसके रिफ्लेक्शन में, इसके प्रतिउत्तर में सामाजिक परिवर्तन आता है कि नहीं, जब एकदम हद से ज्यादा कष्ट गुजर जाता है व्यक्ति के ऊपर से, तो वो कहता है नहीं, अब उसको सामाजिक परिवर्तन चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के हिसाब से इसलिए सोशल चेंज होता है, यानी कि सभी ये मान रहे हैं कि सोशल चेंज होता है, इवोल्यूशनरी मान रहे हैं कि चूंकि उच्चतम स्तर पर जाना इसलिए होता है, फंक्शनलिस्ट मान रहे हैं कि सोसाइटी को स्टेबल होना इसलिए होता है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी मान रही है कि हमको कॉन्फ्लिक्ट दूर करना है इसलिए होता है। तो होता तो है सोशल चेंज। फैक्टर्स,
कौन से कारक हैं जो सोशल चेंज के लिए जिम्मेदार हैं? अभी हमने जैसे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ने कहा, कॉन्फ्लिक्ट जब भी द्वंद होगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, दमन होगा, शोषण होगा, तो परिवर्तन होगा, क्योंकि कोई कब तक सहेगा। देन डेमोग्राफिक चेंज, जब भी डेमोग्राफिक चेंज होता है, आप जगह टेरिटरी बदलते हैं तब भी सोशल चेंज होता है। टेक्नोलॉजिकल चेंज, आज आजकल तो आप कह सकते हैं कि मतलब यू कैन से 70% 60% चेंज, सोशल चेंजेस अकर्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इतना तेजी से बदल रही है, तो सोशल चेंज क्यों? क्योंकि हमारे बातचीत करने का तरीका, हमारे उठने बैठने का तरीका, भाई सोशल चेंज में क्या आ रहा है, कह रहा है ना कि बिहेवियर, इंटरेक्शन, वैल्यू पैटर्न, सब कुछ इसीलिए तो बदल रहा है कि टेक्नोलॉजी बदल गई। फिर कल्चरल चेंज, सांस्कृतिक परिवर्तन होगा तो सामाजिक परिवर्तन होना ही होना है। तो ये सारे कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। एग्जाम्पल्स, हम कैसे, कौन से उदाहरण से समझाएं कि हाँ हम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं सोशल चेंज की, तो कुछ उदाहरण दिए जाएं किससे हम समझें कि ये सोशल चेंज था। सिविल राइट्स मूवमेंट, अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट की बात है, जिसमें कि बहुत 1954 से 1968 के आसपास का इसका समय है, जिसमें कि हुआ कि नहीं सबको समान अधिकार और इन सब चीजों की बात हुई, तो ये सिविल राइट्स मूवमेंट बहुत पॉपुलर है लिटरेचर में। फेमिनिस्ट मूवमेंट, हमेशा से औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, बहुत सी चीजों में कमतर समझी जाती थी और बहुत 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 सबऑर्डिनेट स्टेट थी सोसाइटी में, लेकिन आज देखिए हम फुल फ्लेज्ड एकदम इक्वालिटी को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये किस लिए हुआ है? ऐसे नहीं हुआ है फेमिनिस्ट मूवमेंट की तरह हुआ है, बहुत लोगों ने इस पर काम किया, ऑपरेशन किया, विरोध प्रदर्शन किया, तब जाके ये चीजें इस रूप में आई हैं जब हम और आप आज इस रूप में देखते हैं। तो ये एक सोशल चेंज है। LGBTQ राइट्स मूवमेंट, देखिए अब तो हाई कोर्ट ने अब तो ऑर्डर पास हो गया कि नहीं आप उनको इक्वल राइट्स और सब देंगे और वो रह सकते हैं जिस तरह से वो रहना चाहते हैं। तो ये भी कैसे हुआ, एक सोशल चेंज है। पहले ये नहीं इस तरह से रह सकते थे उनको, बल्कि लीगली पॉसिबल नहीं था उनपे, आप उनको अरेस्ट कर सकते थे कि वो गलत काम कर रहे हैं। तो LGBTQ का फुल फॉर्म क्या है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वेयर ग्रुप। ठीक है, ये क्वेयर जो है क्यू वाला ही लास्ट में जुड़ा है, नहीं तो LGBT कहलाते थे। ये एक तरीके का सोशल चेंज मूवमेंट है। ग्रीन मूवमेंट, देखिए बहुत आजकल बात होती है ना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, बहुत बात हो रही है इस पे, हमको कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन रोकना है। तो ये सब ग्रीन मूवमेंट के बाद हुआ। ग्रीन मूवमेंट जब आया तो कहा गया कि बहुत पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, तो हम लोग इस तरीके का काम करें कि पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें, पर्यावरण को भी एक तरह से लिविंग एंटिटी मान के उसके संरक्षण के लिए काम करते रहे लोग। तब ये निकल के आउटकम आया है कि अब सब लोग अवेयर हैं और चाहते हैं कि एनवायरनमेंट को सेफ किया जा सके, क्योंकि एनवायरनमेंट सेफ रहेगा तभी हमारा आप सेफ रहेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सोशल चेंज या सामाजिक परिवर्तन के। फिर की महत्ता क्या है? अगर सोशल चेंज है, ठीक है, इनेविटेबल है, होता ही होता है, तो क्या उससे कुछ फायदा है? जी हाँ, उससे बहुत सारे फायदे हैं। जैसे जब मूवमेंट होता है तो उसके बाद उसको शांत किया जाता है कि नहीं ठीक है हम कुछ बीच का रास्ता अपना लेते हैं, तो बहुत सारे जो इस तरह के रेजोल्यूशन पास होते हैं उससे वो ग्रुप जिसने जो गया है आंदोलन करने के लिए उसको बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे इंप्रूव्स वर्कर्स राइट, वर्कर्स के राइट ठीक हो गए कि ठीक है भाई आपको सिर्फ इतने ही घंटे काम करना है, आपको छुट्टी भी मिलेगी, आपको CL भी मिलेगी, आपको इस तरीके की चीज। प्रोटेक्ट दी LGBTQ कम्युनिटी राइट्स, LGBTQ कम्युनिटी के राइट्स भी इस मूवमेंट के बाद ही प्रोटेक्ट हो सके। इम्प्रूव्स रेशियल इक्वालिटी, जो रेस वाइज डिफरेंस होता है समाज में, उसमें हुआ कि रेशियल इक्वालिटी यानी कि हर रेस को एक जैसा समझा जाएगा, हमको इक्वालिटी प्रदान करनी है, तो मूवमेंट के बाद हुआ कि ठीक है भैया इनको भी इतना इक्वालिटी प्रदान करने की जरूरत है, ये भी समाज का हिस्सा है। गुड फॉर बिजनेस, आपके व्यापार के लिए अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। ग्रीन मूवमेंट के बाद निकल के आया कि नहीं सब कुछ हिसाब से चलना है, आप इतना ही इमिशन कर सकते हैं, आप ये सब गैसें नहीं निकालेंगे, जितनी भी हानिकारक गैसें हैं जो समाज में वायु प्रदूषण कर रही हैं उनके लिए कहीं कोई चेक है। तो ये सारी बातें, ये सारा रेजोल्यूशन तभी पास होता है। कीप्स गवर्नमेंट अकाउंटेबल, गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल रहना पड़ता है कि नहीं कोई मूवमेंट हो जाएगा उनके खिलाफ अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो। एड्रेसेस प्रॉब्लम्स एट दी रूट, जितनी भी समस्याएं उनको जड़ स्तर पर, उनको उनके एकदम जहां से उसका रूट कॉज है, जहां से वो उत्पन्न हो रही है, उस पर काम किया जा सकता है। एम्पावर सिटीजन्स, सिटीजन्स को एम्पावर करता है, उनको शक्ति देता है कि आप कोई चीज अपने हित में चाहते हैं तो इस तरीके का कोई सोशल चेंज, कोई बात, कोई मूवमेंट, कोई आंदोलन के तहत कर सकते हैं। एंड मेक्स लाइफ बेटर फॉर फ्यूचर जनरेशन, अगर ग्रीन मूवमेंट है, अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर फ्यूचर जनरेशन के लिए लाइफ को बेटर करने का ये एक साधन है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस और फायदे हैं सोशल चेंज के। ओके, तो सोशल चेंज या सामाजिक परिवर्तन मतलब इतना बेसिक टॉपिक है, आप BA की का सिलेबस उठा लीजिए, आप MA का उठा लीजिए, BEd, MEd, इवन सोशियोलॉजी के बुक्स में है ना, सोशियोलॉजी वाले बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेशन के बच्चे पढ़ते हैं, और सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी कोर्स में होता है। तो हमको कंसेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी तरीके का सवाल का सही उत्तर हम दे पाएंगे। ओके, सो आई होप कि आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक।
one more topic under educational sociology, that is social change. Okay, so thank you all, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. Done from my side.